आज चल रही है सवारी चिड़ियाघर। ऑलरेडी 1 बज गए हैं, 12:30। मैडम जी अभी तैयार हो रही हैं, जाने कब तक हो पाएंगे? देर कराएंगी, 5 बजे चिड़ियाघर बंद हो जाता है। सज रही हैं तो अभी पुट्टी का काम चल रहा है। दो अच्छे बच्चे तैयार हो गए हैं, एक मैं और एक ये मेरा हीरो। तू मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ। अभी कहाँ जा रहा है? और लॉक कौन करेगा? चाबी लेके बैठा हुआ है। रख लिए, सब खो गया, तुम बाहर आ जाओ। हाँ, टाइम वेस्ट कर रहे हो थोड़े साहब, मम्मी को लॉक ही कर दो घर में। तो वेस्ट कर रहे हो भाई, तो लॉक ही कर दो मम्मी को, जब आने ही नहीं है, मम्मी को घूमना ही नहीं है। तो आप बिना लिए चल सकते हो? इतनी दम है तुम्हारे में? मेरे में तो नहीं है। बात क्या बनाऊँ इसका, पता ही नहीं चल रहा कि मैं चश्मा पहनूँ, है ना? अब लग रहा है मुझे ज्यादा दूर हो। अब प्रेस कर दो, खड़ी है, रोक लेते हैं। इनके लिए बड़ा मंगवा देते हैं, बच्चे वाला ही सही रखता है इनके ऊपर। देने की हिम्मत ही मत करना। देखिए सही लग रहा है, आ जाओ बच्चे। जू में आ गए हैं, आज संडे है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। संडे को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सारी एंट्री ऑनलाइन है, गवर्नमेंट की साइट है जू की, तो वहाँ से ही एंट्री हो रही है। और पता नहीं बाकी लोग कैसे कर रहे हैं एंट्री, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन पे ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, तो बेहतर है कि ऑनलाइन टिकट बुक कर ले तब यहाँ पर आए। टिकट के स्लॉट्स भी हैं, सुबह मॉर्निंग का है 12:30 का एंड 12:30 से 4:30, दो स्लॉट्स दे रखे हैं इन्होंने। अब सही है तो ऑनलाइन बुकिंग करिए, 80 रुपीज़ चार्जेस हैं, 40 रुपीज़ बच्चों के हैं। और स्कैनर दिया है, वैसे आप नेट पे सर्च कर लें, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। यहाँ पर कोई भी टिकट काउंटर नहीं है, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे करेगा, वी डोंट नो। क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल थोड़ा सा अजीब सा है कि टिकट ऑनलाइन ही कर दिया है, मे बी कोई बंदा जो ऑनलाइन से भी ना हो, टैक्स से भी ना हो, वो कैसे बुक करेगा? क्योंकि ये जू है, जू में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनको, जो चिड़ियाघर देखना चाहते हैं बट उस टाइप का वो पढ़े लिखे नहीं है जो ऑनलाइन बुकिंग करा सके। तो वी डोंट नो कि ऐसा सिस्टम क्यों करा गया है, बट ये गलत है। कुछ ऐसे सामान भी हैं जो आप ले नहीं जा सकते हैं, तो 5 रुपये प्रति बैग या कुछ है, आप यहाँ पर जमा भी कर सकते हैं, जमा करने का ऑप्शन भी है। टेबल ऑल टाइप ऑफ टोबैको, अल्कोहलिक प्रोडक्ट, मैच ऑफ लाइटर, पॉली बैग, ये चीज़ें आप अंदर नहीं ले जा। ये वेयर इज योर स्पेक्स, चश्मा कहाँ है? तो फाइनली लंबी सी लाइन के बाद हम जू के अंदर हैं, और जू के दो स्लॉट्स यहाँ पर टिकट ऑन काउंटर पे दिए हुए हैं, एक सुबह 8 से शायद 12:30 है, दूसरा 12:30 से 4:30, 4-4 घंटे के स्लॉट्स है शायद। और टिकट आप ऑनलाइन ही मिल रही है, कोई भी टिकट काउंटर नहीं है, तो अब आप ऑनलाइन ही टिकट लेकर आइए जू में अगर आपको विजिट करना है तो। आप अगर बैटरी रिक्शा से अंदर जू विजिट करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आकर, जू के अंदर आकर आपको 70 या 30 रुपीस का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 70 फॉर एडल्ट एंड 30 फॉर द चिल्ड्रेन।
दिस इज बैटरी रिक्शा है, ये वाले बैटरी रिक्शे हैं, इससे ही आपको पूरा जू विजिट कराएंगे। सो ये सारे बर्ड्स ओपन हैं, जब भी विंटर आती है ये सारे बर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, पानी की भी है, बीच बीच में बना रखा है इन्होंने पानी। देखो यहाँ इनके खाने का भी टांगा हुआ है, देखो वो ब्लैक वाला, देखो जिसको भगवान राम मारने गए थे, ये ब्लैक वाले गीदड़, गोल्डन जैकल। लकली बाहर आ गया, नहीं तो नहीं आता तो तुम क्या करते? मार देंगे, है ना? भालू भी, बहुत सारे लोग मारते हैं, भालू भी बहुत डेंजर। सही में ऐसा लग रहा है, गुरुजी ले रहा है। चढ़ जा ऊपर, हो गया, नीचे उतरो, चलो। तुम के गया, कह रहा है सॉरी थे क्या? पूरी ठूस लेगा हरी, है ना? मुझे तो नहीं याद, पहले डमरू लेकर भालू का डांस दिखाते थे। बोथ बियर भाग गए, वो अंदर जाना चाहता है बट गेट बंद है उसका। सब लोग को दिखे। काट दिया उन्हें, डांस कर रहे हैं। उसकी मर्जी है भाई, बंगाल टाइगर ये हांडा है ना नीचे। ये देख।